हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं लेके आई हूँ बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट डिश उनकी, यानी मैगी। तो हर बच्चों को पसंद होती है और मैगी आपने बहुत तरीके की खाई होगी, पर आज मैं बनाऊंगी मैगी से मैगी बार। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने पैन ले लिया है, पैन के अंदर ये मैं 1 कप, यानी इसी कप से मैं 2 कप पानी लूँगी। तो ये मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, तो ये 1 कप पानी और डाल रही हूँ मैं। अब इसको हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो ये हमारा पानी गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर ये मैगी रखेंगे, यानी मैगी के मैंने 2 पैकेट लिए हैं, और इसको पकने देंगे अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमारी मैगी बनके बिल्कुल तैयार है। तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल लेंगे, यानी इसको हम छान लेंगे। तो मैंने मैगी को छान के निकाल लिया। अब इसके अंदर डालेंगे हम मैगी टेस्ट मेकर, तो ये 1 पैकेट और ये 2 पैकेट, क्योंकि हमने 2 पैकेट मैगी ली है, तो हम 2 पैकेट टेस्ट मेकर डालेंगे। उसके बाद ये मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला। और फिर इसके बाद डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर, तो कॉर्नफ्लावर मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम हाथों की बजाय हम चम्मच से मिक्स करेंगे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसके अंदर मसाले सारे अच्छे से ऐड हो गए हैं। अब थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे और ऑयल इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे कि ये डो जो हमारा बना हुआ है वो चुपके ना। अगर आपका चम्मच से नहीं मिलता है डो, तो आप हाथों से मिला सकते हैं। इसको आप अच्छे से इसको घी से स्प्रेड कर लें कि ये चुपके नहीं। तो अब ये मैंने फॉइल पेपर लिया है, फॉइल पेपर के ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे इस तरीके से और चारों तरफ। अब ये ऑयल लगा दिया, उसके ऊपर हम ये इसको रख देंगे और इसको बिल्कुल हम पतला कर लेंगे और इसके ऊपर फैला देंगे इस तरीके से। तो इसको मैंने इस तरीके से फैला दिया। अब इसको बंद कर देंगे हम, यानी रैप कर देंगे इस तरीके से। और रैप करने के बाद इसको अच्छे से हम एक बार बेलन से इसको एक सा कर देंगे इस तरीके से। तो ये बिल्कुल एक सा हो गया है। और फिर इसके बाद हम इसको अब 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने फ्रीजर में से निकाल लिया है। तो अब इसको हम इस तरीके से खोलेंगे, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से जम गया है। तो अब इसको हमें अब कट करना है, तो पहले मैं इसको खोल लेती हूँ। तो इसको मैंने खोल लिया है, अब इस तरीके से हमें इसको कट करना है ऐसे लंबे लंबे पीसों में। और फिर इसके बाद इस तरीके से इसके बीच में ऐसे हम काट देंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं बिल्कुल एक तो एक मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरीके से पूरी बार की शेप आ रही है, यानी जो रह गया आप इस तरीके से काट लें। तो ये देखिए, ये हमारी बार बिल्कुल इस तरीके से बन गई है। तो अब इसको हम अब तलेंगे। तो ये मैंने एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई के अंदर ऑयल, ऑयल को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था। तो अब एक एक करके हम इस तरीके से अपनी बार रख देंगे इसके अंदर और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम तल लेंगे। तो इसको पलट पलट के मैंने सेक लिया, आप देख सकते हैं कि इसका कितना प्यारा कलर आया है। तो ये बार हमारे सिक्के बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इनको निकाल लूंगी एक टिश्यू पेपर पर और इसी तरीके से मैं अपना दूसरा बैच तल लूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी मैगी बार बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको चाय के साथ, सॉस के साथ या चटनी के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं। और आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बच्चों से लेके बड़ों तक को सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी मैगी बार की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है।